अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेवल टू का स्किल बूस्टर पैक का आज हम सफ़ा नंबर 46 करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दिए हुए जुमले पढ़ें और इनमें मुनासिब जगह पर खत्मा, सकता और सवालिया का निशान लगाएं। यहाँ पर हमारे पास जुमले दिए हुए हैं, हमने इनको गौर से पढ़ना है और इनके आगे खत्मा, सकता या सवालिया का निशान लगाना है। तो पहला जुमला है हमारा, आप कहाँ रहते हैं? ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? सवालिया। नंबर दो, अबू जान बाज़ार से आलू, गोभी और मटर लाए। आलू और गोभी दो अलग अलग सब्जियां हैं, तो इनके दरमियान क्या आएगा? सकता और आखिर में खत्मा का निशान। आलिया, सारा और फातिमा तीनों सहेलियां हैं। आलिया और सारा दो अलग अलग नाम हैं, तो आलिया के बाद हम क्या लगाएंगे? सकता और आखिर में खत्मा का निशान। दरवाजे पर कौन है? ये एक सवालिया है, एक सवाल पूछा जा रहा है, तो इसके आगे लगाएंगे हम सवालिया निशान। हमेशा सच बोलना चाहिए, खत्मा। टोकरी में सेब, अंगूर और फल हैं। सेब और अंगूर दो अलग अलग फल हैं, तो इसके दरमियान क्या आएगा? सकता और आखिर में खत्मा का निशान। क्या आपने काम ख़त्म कर लिया है? ये एक सवाल है, तो इसके आखिर में सवालिया निशान। सारा ने किताब पढ़ी, खत्मा। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, खत्मा। क्या हम सैर के लिए जाएंगे? सवालिया निशान। अगला टॉपिक है हमारा, अल्फाज को लकीर की मदद से इनके दुरुस्त मायने से मिलाते हुए जानवरों को इनके घर तक पहुंचाएं। यहाँ पर अल्फाज दिए हुए हैं और इनके मायने दिए हुए हैं, तो हमने इनको मिलाना है। हमारे पास अल्फाज हैं उल्फत, तराजू, अनाज, पहचान, रोज़ मायने हैं, वला मोहब्बत, दिन, मेज़ान, शना। तो उल्फत का क्या मायने है? मोहब्बत, तराजू, मेज़ान, अनाज, गला, पहचान, शनाख्त, रोज़, दिन। हमारा अगला टॉपिक है चीज़ें गिनने और इनके तादाद लफ्ज गिनती में लिखें। यहाँ पर आपको तस्वीरें दी हुई हैं, उनमें चीज़ें बनी हुई हैं, आपने इनको गिनना है, काउंट करना है और लफ्ज गिनती में लिखना है। हमारा पहला है, हमने इन कैंडल्स को, ये जो मोमबत्ती लगी हुई है, इनको काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है ये कितनी है। 7 पत्ते कितने हैं? 6 बदक कितनी बनी हुई है? 7 3 6 5 10 4 2। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।